हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे पल्सर NS के बारे में, ऐसी पांच रीज़न जिनकी वजह से आपको पल्सर NS बाई करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले रीज़न की बात करते हैं, तो इसकी लुक वाइज़ देखें आप, काफ़ी अच्छी लुक है इसकी। ऐसी 125 cc में कोई भी नेकेड लुक में बाइक नहीं देखने को मिलेगी आपको। और इसकी टैंकी पे देख सकते हैं आपको पल्सर का लोगो, और पीछे भी आप देख सकते हैं 125 cc लिखा हुआ है इधर, और यहाँ पे फ्रंट पे भी 125 cc लिखा हुआ है, और फ्रंट में देख सकते हैं लाइट। तो गाइस इसके सेकंड रीज़न की बात करें, तो इसकी माइलेज गाइस आपको ये 50 के 55 के बीच अप्रॉक्स माइलेज दे देती है। 125 cc में स्पोर्ट्स बाइक में इतनी माइलेज काफ़ी अच्छी है, जो आपको 50 से 55 के बीच माइलेज देती है बाइक ये। तो गाइस थर्ड रीज़न की बात करें, जो है इसमें पावर 125 cc में ऐसी कोई भी आपको पावर नहीं, किसी भी बाइक में पावर नहीं देखने को मिलेगी जो NS में है। आप शाइनिंग में देख लें, शाइनिंग होंडा ग्लैमर में देख लें, किसी में भी आपको इसके जितनी पावर देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइस जो फोर्थ रीज़न मुझे देखने को मिला इसमें अच्छा, वो है इसकी सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है इसकी, काफ़ी रिलैक्स लेवल है, और आराम से आप बैठ सकते हैं इस पर। ऑफ रोडिंग भी काफ़ी आराम से कर सकते हैं, और सिटिंग में भी आप काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं इस पर। देख सकते हैं आप, काफ़ी रिलैक्सेबल सिटिंग पोजिशन है इसकी। तो गाइस फिफ्थ रीज़न की बात करें, वो देखने को मिला मुझे इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है इसकी, और इसका स्पीडोमीटर भी काफ़ी शानदार दिया गया है। जब से NS लॉन्च हुई है तब से यही स्पीडोमीटर है NS में, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये स्पीडोमीटर। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दें लाइक, और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर दें ऑल पे प्रेस ऐसी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जाएँ और बुक कराएँ NS। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.